प्यार की मिसाल शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनाया। प्यार की मिसाल अलग अलग आप देखते हैं कि किस तरीके से प्यार की मिसालें देखने को मिलते हैं, जहां पर लोग जो है वो अपने प्यार के लिए क्या कुछ नहीं कर बैठते हैं। और उसी प्रकार से एक मिसाल आज आपको हम दिखाना चाहेंगे, एक ऐसा घर यानी कि कैसी प्रॉपर्टी जिसे बचाने के लिए जी जान की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जहां पर एक घर को जो है वो काफी यानी कि लगभग 13-14 फुट जो है वो ज्यादा यानी कि आप देख सकते हैं ये वो सरिया है और सरिये से लेकर 13-14 फुट जो है वो इसे खिसकाया गया है और ये जम्मू कश्मीर में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके पीछे भी दिलचस्प कहानी है। वो दिलचस्प कहानी ये है कि अपने प्यार की धरोहर को यानी कि अपने प्यार की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए इन शख्स ने यानी कि जगमोहन सिंह ने जी जान लगा दी और कोशिश पे कोशिश की। और देख सकते हैं कि वही कोशिश जो है वो अब सफल होते हुए नजर आ रही है। ये घर आप देख रहे हैं, ये घर जो है वो काफी समय पहले बनाया गया था, यानी कि लगभग आपको बताते चले कि 2017 में ये घर बनाया गया और उसके बाद इस घर को अब जो है यानी कि इनकी जो बीवी है वो बीवी कोरोना काल में जो है वो उनकी मौत हो गई। कोरोना काल में मौत होने के बाद उनकी बीवी ने यानी कि उससे पहले इनकी बीवी ने इस घर का डिजाइन तय किया था। इस घर का डिजाइन तय करने के बाद जो भी छोटी बड़ी चीजें हैं वो इस घर में लाई और इस घर को जो है वो सजाया। लेकिन कोरोना काल में इनकी जगमोहन सिंह की बीवी की मौत हो गई और उसी धरोहर को बचाने के लिए अब जगमोहन सिंह जी जान लगा रहे हैं, जी जान की कोशिश कर रहे हैं और वही कोशिश जो है वो सफल होते हुए नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि ये घर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जहां पर घर को जो है वो काफी दूर तक जो है वो लेके जा रहे हैं। क्योंकि अगर इस रोड की बात करें तो यहाँ पर जो है वो 4 लाइन ये रोड होने वाली है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से नेशनल का काम जो है यानी कि सड़क का काम जो है वो देखने को मिल रहा है, जहां पर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, सड़क को चौड़ा किया जा रहा है और ये सड़क को जो है वो तकरीबन यानी कि 4 लाइन जो है वो किया जाएगा, जिसके चलते घर जो है वो इसमें आ रहा था। लेकिन उन्होंने जगमोहन सिंह ने जो है घर को बचाया और घर को जो है वो काफी दूर तक, हालांकि अभी जो है वो सिर्फ 13-14 फुट ही दूरी तक लेके गए हैं, लेकिन आपको बता दें कि इससे भी दूरी तक जो है वो लेके जाएंगे। तो इसके पीछे की कहानी क्या कुछ है, किस प्रकार से ये आइडिया जगमोहन सिंह को आया, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे काबिलियत तारीफ जो यहाँ पर बनती है वो है इंजीनियर की, क्योंकि अगर इंजीनियर ऐसा नहीं करते तो ऐसा मुमकिन जो है वो नहीं हो पाता। क्योंकि अगर इंजीनियर ऐसा नहीं सोचते कि ऐसे यानी कि घर को भी जो है वो काफी आगे तक जो है वो खिसका सकते हैं, अगर ऐसा वो नहीं करते तो ये घर भी जो है वो यहीं पर होता और कहीं ना कहीं ये घर जो है वो टूट भी जाता। लेकिन इंजीनियर जो कि आप देख सकते हैं कि वो अभी इस वक्त जो है वो अंदर काम कर रहे हैं और किस तरीके से प्यार की एक मिसाल को जो है यहाँ की प्यार की मिसाल दी गई है और अपने प्यार को जो है वो बचाया गया है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये वो सरिया है, मैं दिखाना चाहूंगी आपको तस्वीरों में, देख सकते हैं कि कितना ज्यादा जो है वो इसे खिसकाया गया है। ये वो सरिया है आप देख रहे हैं कि ये वो सरिया है जहां पर यहां से आगे तक जो है वो इसके खिसकाया गया है, यानी कि 13-14 फुट तक इसे जो है वो खिसकाया गया है। प्यार की मिसाल जो है वो जगमोहन सिंह ने दी है। इस घर पे आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों की जो है वो लाइन लगी होती है और आप देख सकते हैं कि अभी भी लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हैं देखने के लिए कि आखिरकार इस घर को जो है वो किस प्रकार से आगे से जो है वो खिसकाया जा रहा है, किस प्रकार से इस घर को जो है वो बचाया जा रहा है। देखिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लोग यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा ये एक कहा जाए इंटरेस्टिंग भी है और काफी ज्यादा ये आकर्षित भी है और काफी ज्यादा ये सोचने वाली भी बात है कि आखिरकार किस प्रकार से इस घर को जो है वो पीछे ले जाया जा रहा है, किस प्रकार से इस घर को जो है वो पीछे की तरफ धकेला जा रहा है। तो ये प्यार की मिसाल है, लोग अपने प्यार को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, प्यार की मिसालें देते हैं, जहां ताजमहल बनाते हैं, जहां अलग अलग प्रकार की चीजें करते हैं। तो ये प्यार की मिसाल है, ये वो प्यार है यानी कि अपनी बीवी की धरोहर को बचाने के लिए जो है इतनी मुश्किलात का सामना करने की जो एक ठाना है जगमोहन सिंह ने। देख सकते हैं कि
सफल होते हुए वो रास्ता जो है वो नजर आ रहा है। तो चलिए जगमोहन सिंह जी से बातचीत करते हैं कि इसके पीछे का आइडिया उन्हें किस प्रकार से आया और किस प्रकार से जो है उन्होंने ये सोचा कि इसे भी जो है यानी कि घर को भी जो है वो तोड़ने से बचाया जा सकता है। तो सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैं जगमोहन सिंह अपर बेली चराना जम्मू से। मेरा पहला सवाल यही है कि आपने प्यार की मिसाल दी है जहां पर लोग 20 बार सोचेंगे 40 बार सोचेंगे 100 बार सोचेंगे लेकिन आपने एक ही सोच में ही कर दिखाया। जी मैम एक्चुअली ये घर हमने बड़े प्यार से काफी देर क्योंकि कहते हैं ना घर जिंदगी में एक ही बार बनता है तो शादी भी जिंदगी में एक ही बार होती है तो उसके लिए तो किसी कारण कोरोना काल में वाइफ की डेथ हो गई थी। ये घर जो है वाइफ ने अपने हाथों से डिजाइन किया था। इस घर की हर एक एक चीज उसने अपने हाथों से सजाई है। अंदर इंटीरियर जो आप देखेंगे वहाँ से भी ऐसा इन्होंने काफ़ी मेहनत की इस घर को इधर उधर से सर्च करके ऐसे यूट्यूब से निकाल के ये चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए ये यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये घर की मैंने ये सोचा कि वाइफ तो बेचारी चलेगी नहीं रही कोरोना काल में उसकी डेथ हो गई तो मैंने उनकी यादों को अपने साथ रखने के लिए इस घर को मैंने बचाना जरूरी समझा। मैंने बोला वाइफ तो नहीं कम से कम उसकी यादें मेरे साथ जुड़ी रहें जो इस घर में हम कभी खुशहाल थे। एक छोटी सी हमारी फैमिली थी मैं वाइफ मेरी बेटी थी जो अब पढ़ रही है बाहर आउट ऑफ स्टेट में है वो। तो मैंने इस घर को इसलिए बचाना चाहा कि उसकी यादें जो है मेरे साथ जुड़ी। आपने ये सोचा बहुत बड़ी बात होती है सोचना और करके दिखाना जो आपने आज करके दिखाया है प्यार की एक मिसाल दी है। तो आपको ये आइडिया किस प्रकार से आया किस प्रकार से आपने सोचा कि ऐसा भी हो सकता है? हाँ ये एक्चुअली मैंने एक बार सुना था कहीं पे कि मकान बिल्डिंग जो है शिफ्ट हो सकती है तो उसी को सर्च करते कुछ यार दोस्त से हेल्प ली मैंने इधर उधर करके नेट में सर्च करना शुरू किया तो मेरे को कांटेक्ट हुआ एक HSBL नाम से कंपनी है हरियाणा में उनसे कांटेक्ट हुआ उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला चलो आप फोटो वगैरह भेज दो हमें देख के बता देंगे। हमने मूवी वगैरह भेज दी इसके बना के तो जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने बोला आपने सर्च किया ना चीज की फाउंडेशन कैसी है उसको देखते उन्होंने बोला ये पॉसिबल है हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं लेकिन इसके लिए इसको इसमें खर्चा बहुत आएगा आपका। उन्होंने खर्चा मेरे को टोटल बताया जो खर्चा बोलते हैं 55 से 60 लाख तक इसका खर्चा आ जाएगा जितनी दूर आप इसको ले जाना चाहते हैं जी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं मेरी निशानी जो वाइफ ने ली उससे बढ़कर तो है नहीं पैसा तो यहाँ पे ज्यादा होती हैं वहाँ पे पैसा नहीं होता तो मैंने ये निर्णय लिया कि चलो जिस तरह से भी हो सके मैं उन यादों को अपने दिल में बसाए रखना चाहता हूँ। फिर मैंने लिया कि इसको शिफ्ट कर लेते हैं बाकी इसका जो शिफ्ट करने में कोई अगर मिस हैपनिंग वगैरह कुछ होती है तो वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आपका घर भी है दूसरा घर भी आप बना रहे हैं फिर भी आपने ऐसा सोचा बहुत बड़ी बात है ये क्योंकि प्यार को बचाना प्यार की प्रॉपर्टी को बचाना एक बहुत बड़ी बात होती है और इस एरा की बात करें तो कहीं ना कहीं जो एक सच्चा प्यार है वो कहीं ना कहीं खोते हुए नजर आ रहा है। हाँ मैं तो ये कहता हूँ कि सब कुछ पैसा नहीं होता। मैं चाहता तो इस घर को तोड़ के एक नया घर बना सकता था लेकिन जहाँ तक मैं कहता हूँ कि एक जो रिलेशन होता है वाइफ के साथ जो यादें हैं मेरी उनके साथ जुड़ी हुई वो मेरे लिए इस घर से कहीं ऊपर हैं इसलिए मैं उन यादों को अपने दिल में समाए रखना चाहता हूँ इस घर के साथ उसको बचाने के लिए। तो मैं यही कहूँगा कि ये घर जो लोग मिसाल देते हैं ताजमहल की ऐसा है वैसा है शाहजहाँ ने ऐसा किया मैं तो ये कहूँगा शाहजहाँ तो मैं बन नहीं सकता लेकिन ये घर मेरे लिए ताजमहल से ऊपर है तो इसलिए मैंने ये नहीं लिया कुछ भी हो हर हालत में हर कीमत में मैं इस घर को बचाना चाहता हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं घर को देख रहे हैं कि आखिरकार घर को किस प्रकार से शिफ्ट किया जा रहा है। जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। माता जी आप यहाँ पर आई हैं घर आपने देखा कैसा लगा आपको कि प्यार की मिसाल दी है प्यार को बचाने के लिए ये कोशिश जो है वो की जा रही है कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा मैडम जी ये देखा आपने किस प्रकार से घर को शिफ्ट कर रहे हैं देखो आपने कभी सोचा आपने, था कभी नहीं सोचा है अपनी मैडम की याद में ये रख रहे हैं मुकाम इधर ही होगा अपने प्यार को बचाने के लिए प्यार को बचाने के लिए अपने कैसा लग रहा है आपको कि बहुत अच्छा लगा मैडम जी देख के
इसलिए हमने गाड़ी रोक के इधर देखने के लिए आए। गाड़ी रोकी आपने स्पेशल? हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम इधर ही रायपुर सतवारी के। रायपुर तो कहाँ से आ रहे थे? सतवारी के थे। सतवारी के थे तो आपने स्पेशली गाड़ी रोकी घर को देखने के? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। जी देखिए, लोग जो हैं वो अपनी गाड़ियां रोक रहे हैं, जो भी यहां से गुजर रहे हैं वो एक पलक यहां पर झपका रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिरकार किस प्रकार से इस घर को शिफ्ट कर रहा किया जा रहा है, यानी कि इस घर को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो खिसकाया जा रहा है, लिया जा रहा। हालांकि मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगी कि ये जो है वो घर अभी 13 से 14 फुट तक इस घर को जो है वो खिसकाया गया है, लेकिन मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगी कि अभी इस घर को जो है वो कितना आगे तक जो है वो लिया जाएगा। आप ये साफ तौर पर तस्वीरें अगर आप देख रही हैं, जहां पर आपको सरिया अगर आपको नजर आ रहा है तो वो मैदान आप देख रहे हैं, इस मैदान में सरिया है, यानी कि ये मैदान जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहां तक जो है वो इस घर को शिफ्ट किया जाएगा, इस घर को यहां तक लिया जाएगा। प्यार की धरोहर को बचाने के लिए, अपने प्यार को बचाने के लिए जो है वो जी जान कोशिश जगमोहन सिंह जी कर रहे हैं, ताकि उनकी जो यादें हैं, उनकी जो पत्नी की यादें हैं वो बस इस घर में ही रहे, कहीं और ना जाए। अपने घर को बचाने के लिए जगमोहन सिंह जी जी जान की कोशिश कर रहे हैं, और वही कोशिश सफल होते हुए भी नजर आ रही है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो फोर लाइन जो यानी कि सड़क जो चौड़ी होने वाली है, फोर लाइन सड़क बनने वाली है, तो सड़क पर ये घर जो है आने वाला था, और जिसके चलते ये घर जो है वो टूटने वाला था। इसी घर को बचाने के लिए, अपनी बीवी की यादों को बचाने के लिए जगमोहन सिंह जी ने ये कदम उठाया, और ये कदम आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये कदम है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जहां पर एक व्यक्ति ने अपनी प्यार की मिसाल दी है, और प्यार की मिसाल भी इस तरह दी है कि घर को बचाने के लिए जो है वो जी जान कोशिश कर रहे हैं और सफल भी होते हुए नजर आ रही है। मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी, घर की पूरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, देख सकते हैं। और जब हमने घर के रिलेटेड जगमोहन सिंह जी से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अभी तक घर में कोई भी क्रैक नहीं आया है, तो ये जिम्मेवारी जो है वो इंजीनियर्स की है, कंपनी की ये जिम्मेवारी बनती है। लेकिन काफी ज्यादा ये क्यूरियोसिटी, जब यू नो क्यूरियोसिटी आती है, इंटरेस्टिंग लगता है सुनने में कि आखिरकार किस प्रकार से ये शिफ्ट किया जा रहा है, तो इंजीनियर को जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा यानी कि उनकी ये कोशिश है, उनका ये कदम है, उनकी ये सोच है कि आखिरकार किस प्रकार से इसे जो है घर को शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि अगर इंजीनियर ऐसा नहीं सोचते, इंजीनियर ऐसा नहीं करते तो इस प्रकार के कदम भी नहीं उठाए जाते, और जिस प्रकार से घर जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है तो इस प्रकार से ऐसा भी नहीं होता। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जगमोहन सिंह जी ने प्यार की मिसाल दी है। तो कमेंट सेक्शन पर आप भी जरूर बताइएगा कि आप किस प्रकार से अपने प्यार की मिसाल देने वाले हैं, आप किस प्रकार से अपने प्यार की धरोहर को, अगर इन फ्यूचर कभी कुछ हो जाता है या फिर आप किसी से प्यार करते हैं तो किस कदर जो है वो आपने अपने प्यार को बचाने की कोशिश की, और किस कदर आपने अपने प्यार की मिसाल दी है, जरूर बताइएगा, क्योंकि ये घर जो है ये घर नहीं है, ये प्यार की मिसाल है। हालांकि शाहजहां ने ताजमहल तो बनाया मुमताज के लिए, प्यार की मिसाल तो दी, लेकिन जम्मू कश्मीर में जगमोहन सिंह जी ने एक और प्यार की मिसाल दी है, यानी कि एक ऐसी प्यार की मिसाल जो कि घर बचा रहे हैं, अपनी पत्नी की, अपनी बीवी की यादों को बचा रहे हैं। कमेंट सेक्शन पर आप भी जरूर बताइएगा कि आपने किस प्रकार से अपने प्यार की मिसाल दी है, और आपने अपने प्यार को बचाने के लिए क्या कुछ किया है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये प्यार की मिसाल जो आज जगमोहन सिंह जी ने दी है हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, हर एक व्यक्ति को यह एहसास हो कि आज के जमाने में ये सोचना और करके दिखाना बहुत बड़ी बात होती है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।